अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो, मिड टर्म पेपर्स ऑफ स्प्रिंग 2024 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या कौन से जो टॉपिक्स हैं वो उनके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इको 403 का पेपर। मैं आप लोगों को पेपर शो करवा देती हूँ, साथ साथ इसके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन का जो है गाइडलाइंस भी बता दूंगी किस तरह से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेस अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है। अब अगर लेटेस्ट क्विजेस की बात करूँ तो टिल मिड टर्म क्विज़ वन एंड क्विज़ टू ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का हो गया होता है। अगर क्विज़ टू ना भी हो तो क्विज़ वन ज़रूर हो जाता है। आपने वो अटैम्प्ट किया होगा, आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। साथ साथ आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स या वेबसाइट्स की बात करूँ, वहाँ पर भी ये क्विज़ेस अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ आप लास्ट टू ईयर्स या थ्री ईयर्स के क्विज़ेस देख सकते हो, यानी फॉल और स्प्रिंग के 23, 22, 21 इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्विज़ वन और क्विज़ टू या क्विज़ वन देख ले, ठीक है। पास्ट पेपर्स भी देख ली सकते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर अगर तो आपके जो कोर्स कंटेंट है वो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट्स के कंटेंट जो हैं अपडेट हो रहे हैं, हैंडआउट्स चेंज हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो पास्ट पेपर पर डिपेंड कर रहे होते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि जो उनके कोर्सेज हैं ना वो चेंज हो चुके हैं, यानी जो अपडेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। और यहाँ पर आप लोगों को पेपर दिखा देती हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज़ के बारे में बताया हुआ है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके ये देख लीजिएगा, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है इनमें से कोई आप लोगों के पेपर में भी आ जाए, आइडिया हो जाता है कि कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये सेट वन है, और भी पेपर्स आएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।